Hello learners, today we have an introductory session on sampling design. So इस session में हम meaning पढ़ेंगे sampling का और कुछ sampling की terms है जिसको हम discuss करेंगे. So सबसे पहले हम start करते हैं meaning of sampling से. So sampling refers to the method of selecting a small pattern of data from a large population for the purpose of carrying out a research. जब एक बड़े data से small data लिया जाता है तो इस प्रक्रिया को sampling कहा जाता है. The selected pattern is termed as sample, which is small. ये जो small data निकाला जाता है एक बड़े data से, इसको sample कहा जाता है, and it's a manageable version of the large set of data. Sampling is most widely used in those researches where size of population is too large, such that it is impossible to include each unit in research. सो बेसिकली सैम्पलिंग उन केसेस में यूज़ उन रिसर्चेज में यूज़ होती है जहाँ पे पॉपुलेशन का साइज़ जो होता है काफ़ी लार्ज होता है और रिसर्चर के लिए एक तरह से इम्पॉसिबल होता है पूरे डेटा को स्टडी करना. सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्टडी करना चाह रही हूँ कि उत्तराखंड में वीमेन लिटरेसी रेट कितना है, फाइनेंशियल लिटरेसी रेट उत्तराखंड की वुमेन में कितना है. तो एक अगर मैं हाइपोथेटिकल नंबर लूँ तो तकरीबन 50 लाख के करीब उत्तराखंड में वुमेन होगी. तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं हर एक वुमेन के पास जाऊँ और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँ. तो इंस्टेड दैट मैं क्या करूँगी, उनका एक सैंपल, वीमेन का एक सैंपल ले लूँगी. तो ये जो सैंपल लिया जाता है ये साइंटिफिक मेथड से लिया जाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे सैंपल निकाला जाता है. बट मैं क्या करूँगी कि एक सैंपल ले लूँगी, 500 या 1000 वीमेन का एक सैंपल ले लूँगी, उन पे रिसर्च करूँगी और उसी के बेसिस पे जो मैं है अपनी जो रिज़ल्ट है उसको ये जो रिज़ल्ट आएगा मेरा सैंपल से ये मेरी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा. सो सैंपल ड्रॉ फ्रॉम पॉपुलेशन आर यूज बाय रिसर्चर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन. सो सैंपल से जो रिजल्ट आता है वो पूरी पॉपुलेशन को जर्नलाइज करता है. नेक्स्ट है सैम्पलिंग डिज़ाइन. सो इन ए रिसर्च हाउ टू सिलेक्ट द सैम्पल इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिज़ाइन. तो इसके कुछ पार्ट्स हैं जैसे यूनिवर्स और पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पल, सैम्पलिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड सैम्पल साइज. सो ये टर्म्स हैं कुछ, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन किसको कहा जाता है. In simple language, a population or universe can be defined as any collection of persons or objects or events or companies in which researcher is interested. For example, women financial literacy rate in Uttarakhand. So the women of Uttarakhand is the universe or population. So जैसे मैंने बताया कि अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की वीमेन में फाइनेंशियल लिटरेसी रेट कितना है, तो इस केस में इस मेरी स्टडी में जो वीमेन होगी उत्तराखंड की, दैट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ माई स्टडी. अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडी ऑन द बैंक्स इन इंडिया. अगर कोई रिसर्चर स्टडी करना चाहता है बैंक्स, इंडिया के बैंक्स पे, बैंक्स में तो सब आ जाएंगे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव, रीजनल, रूरल बैंक्स. तो इस केस में जो जितने भी बैंक्स हैं दे विल बी द यूनिवर्स और द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड एट अ टाइम और विच रिसर्चर इंटेंड टू मेजर एट अ टाइम, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम पॉपुलेशन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज यूनिवेरिएट पॉपुलेशन. सो सबसे पहले है यूनिवेरिएट पॉपुलेशन. यूनिवेरिएट पॉपुलेशन क्या होता है? यूनिवेरिएट पॉपुलेशन इज वन इन विच रिसर्चर कंसिडर ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ टाइम. सो यूनिवेरिएट पॉपुलेशन होता है जिसमें रिसर्चर पॉपुलेशन के एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करता है. फॉर एग्जांपल एज हो गया, इनकम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस एंड सो ऑन. तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन में. पॉपुलेशन के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बट जो स्टडी का ऑब्जेक्टिव है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर रहा है. जैसे मैंने एग्जांपल ली थी लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन, तो इस स्टडी में जो जेंडर है वो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है और हमारा जो इसमें जो वीमेन जो हम लिटरेसी रेट देख रहे हैं वीमेन की, तो इसमें हम एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स दैट इज़ जेंडर उस पर हमारा फोकस है. नेक्स्ट है बायवेरिएट पॉपुलेशन. बायवेरिएट पॉपुलेशन होता है जब पॉपुलेशन के दो करेक्टरिस्टिक्स पे हमारी जो रिसर्च है वो फोकस करती है. जैसे वही पुरानी एग्जाम्पल की वीमेन लिटरेसी रेट, अब इसमें वीमेन जो था वो एक करेक्टरिस्टिक्स था, एक जेंडर जो था वो एक करेक्टरिस्टिक्स था. अगर मैं कहूँ कि मैं उन वीमेन पे स्टडी करना चाहती हूँ जिनकी एज अबव 18 ईयर है, तो अब आप देखिए इसमें दो करेक्टरिस्टिक आ गए, एक तो जेंडर हो गया, वीमेन हो गया, राइट, दूसरा हो गया एज, कि मैंने एज ली है वो एज जिनकी वो वीमेन जिनकी एज 18 से अबव है. तो इस स्टडी में
हमारे दो करेक्टरिस्टिक आ गए. देन है मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन. मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन होती है जहाँ पे रिसर्चर जो है तीन पॉपुलेशन के तीन या तीन से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करता है. जैसे वही एग्जांपल को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मुझे विमेन लिटरेसी रेट पे स्टडी करनी है उन विमेन की जिनकी एज अबव 18 ईयर है और जो हाउस होल्ड वुमेन है और जो कि रूरल एरिया में रहती है. अब आप देखिए कि इसमें कितने करेक्टरिस्टिक्स आ गए. इसमें एक जेंडर आ गया, एक एज आ गई, एक रीजन आ गया और एक आ गया आपका ऑक्यूपेशन, राइट. तो जब हम पॉपुलेशन के तीन या तीन से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करते हैं तो उसको मल्टीवेरिएट पॉपुलेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज सैम्पलिंग फ्रेम. तो सैम्पलिंग फ्रेम इज यूनिक एड्रेस ऑफ ऑल रिस्पॉन्डेंट. सो सैम्पलिंग फ्रेम इज पॉसिबल इन केस ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन. सैम्पलिंग फ्रेम जो है वो फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में पॉसिबल होता है. दो तरह की पॉपुलेशन होती है, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन. फाइनाइट पॉपुलेशन वो होती है जो कि काउंटेबल होती है और इनफाइनाइट होती है जो कि नॉट अनकाउंटेबल होती है. बट अब देखा जाए तो इनफाइनाइट तो कुछ भी नहीं रहा. गैलेक्सी में कितने स्टार्स है ये भी काउंट किए जा चुके हैं. हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये भी काउंट कर लिया. इवन हमारी बॉडी में कितने हेयर है इसको भी काउंट किया जा चुका है. तो रिसर्च में जो है इनफाइनाइट नहीं कुछ होता. आप अनमैनेजेबल कह सकते हो इनफाइनाइट को. रिसर्च में अनमैनेजेबल कहा जा सकता है. जैसे कि आप स्टडी करना चाह रहे हो कि उत्तराखंड में ऐसे कितने लोग हैं जो कि पेप्सी पीते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए अनमैनेजेबल हो जाएगा. क्योंकि आप कैसे पता करोगे ना कि उत्तराखंड में ऐसे कितने लोग हैं जो कि पेप्सी जो है कोल्ड ड्रिंक जो पेप्सी है वो पीते हैं. तो इस केस में ये जो पॉपुलेशन होगी दैट विल बी द इनफाइनाइट पॉपुलेशन. तो बट सैम्पलिंग फ्रेम जो बनता है दैट विल पॉसिबल इन केस ऑफ फाइनाइट पॉपुलेशन. तो सैम्पलिंग फ्रेम कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है. जैसे अगर आप किसी स्कूल पे रिसर्च करना चाह रहे हो, स्कूल के स्टूडेंट्स पे रिसर्च करना चाह रहे हो, तो हर एक स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर होता है, राइट. तो वो एक सैम्पलिंग फ्रेम माना जाएगा. इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल किसी हॉस्पिटल के पेशेंट्स पे रिसर्च करना चाहते हो तो हर पेशेंट का एक आईडी नंबर होता है, तो दैट इज़ द सैम्पलिंग फ्रेम. इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड एक अच्छा सैम्पलिंग फ्रेम बन सकता है. जब आधार कार्ड पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए आधार कार्ड विल बी ए गुड सैम्पलिंग फ्रेम. तो सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है दैट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ रिस्पॉन्डेंट. हर एक रिस्पॉन्डेंट का एक एड्रेस जो होता है वो उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं. नेक्स्ट इज दी सैम्पलिंग यूनिट. सैम्पलिंग यूनिट होता है ऑन हूज बिहाफ रिस्पॉन्स इज टेकन. किसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स लिया जा रहा है. सी रिस्पॉन्स जो होता है हमेशा ह्यूमन बींग से ही लिया जाता है, राइट. अगर आप किसी बैंक पे भी स्टडी कर रहे हो तो उस बैंक का आप बैंक इटसेल्फ तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना. बैंक का कोई इम्प्लॉई होगा वो आपको इंफॉर्मेशन देगा. तो सैम्पलिंग यूनिट होता है किसके बिहाफ पे इंफॉर्मेशन ली जा किसके बिहाफ पे इंफॉर्मेशन ली जा रही है. तो जैसे मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि मैं बैंक्स पे स्टडी करना चाह रही हूँ, तो उस केस में पंजाब नेशनल बैंक्स फॉर एग्जांपल वो मेरा सैम्पलिंग यूनिट होगा. और पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी एम्प्लॉई या पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी ब्रांच मैनेजर जो भी होगा उससे मैं रिस्पॉन्स जो है कलेक्ट करूँगी, रिस्पॉन्स लूँगी. इसके अलावा अगर मैं 50 हाउस होल्ड्स पे रिसर्च करना कर रही हूँ तो वन हाउस होल्ड विल बी द सैम्पलिंग यूनिट. नेक्स्ट है सैम्पल. नेक्स्ट टर्म जो होती है वो है सैम्पल. सैम्पल क्या होता है. सो बाय सैम्पल वी मीन द ऑब्जेक्ट्स पर्सन्स और एलिमेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स और पॉपुलेशन. सो सैम्पल से हमारा मतलब होता है कि जब हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स से एक प्रपोर्शन सिलेक्ट करते हैं, एक सब पार्ट लेते हैं पॉपुलेशन का, उसको सैम्पल कहा जाता है. सो इट्स अ पोर्शन और सब पार्ट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन वन कैन फॉलो एनी ऑफ द टू मेथड्स सेंसस एंड सेकेंड वन इज सैम्पल. जब भी पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है रिसर्चर को तो उसके पास दो मेथड अवेलेबल होते हैं. एक तो है सेंसस, दूसरा है सैम्पल. सी सेंसस जब आपका पॉपुलेशन का साइज छोटा होता है उस केस में सेंसस मेथड चल जाता है. सेंसस में होता है जबकि आप जब आप पॉपुलेशन के हर यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. बट सैम्पल तब यूज़ किया जाता है जब पॉपुलेशन का साइज जो है काफ़ी लार्ज होता है और एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है रिसर्चर के लिए कि हर एक यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए. तो उस केस में रिसर्चर्स जो हैं वो सैम्पल के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो सैम्पल इज द सब पोर्शन और सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन. नेक्स्ट है सैम्पलिंग मेथड्स और टेक्निक्स. सो सैम्पलिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स क्या है.
दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स वो होते हैं जिसमें कि पॉपुलेशन के हर यूनिट, ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द सेम चांस टू बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। इसमें रिसर्चर की कोई बायसनेस नहीं होती, सब यूनिट जो पॉपुलेशन के जितने भी सब यूनिट्स हैं उनका सेम चांस होता है कि वो सैंपल में आ सकते हैं या नहीं आ सकते, राइट। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड होती है, इसमें रिसर्चर की बायसनेस होती है, उसका मन होता है वो जिसको चाहे सैंपल में ऐड कर सकता है, जिसको चाहे नहीं कर सकता। तो दो तरह की सैंपलिंग मेथड्स होती है जिसके थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। इन मेथड्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये मेथड्स। नेक्स्ट इज़ दी सैम्पल साइज। सो सैम्पल साइज जो होता है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सैम्पलिंग डिज़ाइन। सो सैम्पल साइज इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में से कितने नंबर जो है यूनिट्स या ऑब्जर्वेशन लेनी है, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल साइज। सो सैम्पल साइज जो लिया जाता है वो एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू लिया जाता है। सो सैम्पल साइज मस्ट बी एडिक्वेट टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। तो ये माना जाता है कि सैम्पल साइज जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि सैम्पल साइज अगर एडिक्वेट होगा तो ही वो पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। सो लार्जर द सैम्पल साइज मोर एक्यूरेट द फाइंडिंग ऑफ फ्रॉम द स्टडी। इफ़ द सैम्पल साइज इज 30 और मोर देन 30 इट इज़ नोन एज लार्ज सैम्पल। जब आपका सैम्पल साइज या यूनिट्स जो होते हैं वो 30 या 30 से ज़्यादा हो तो उसको लार्ज सैम्पल कहा जाता है। इफ़ द सैम्पल साइज इज़ लेस देन 30, अगर नंबर ऑफ यूनिट्स 30 से कम हो तो उसको स्मॉल सैम्पल कहा जाता है। जब भी आप टेस्ट लगाते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो इसी बेसिस पे लगाया जाता है कि सैम्पल साइज कितना है। लार्ज सैम्पल पे डिफरेंट टेस्ट लगते हैं, अगर सैम्पल साइज स्मॉल है तो उस पर डिफरेंट टेस्ट लगते हैं। द डिटर्मिंड साइज शुड बी ऑप्टिमम एंड हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड बाय साइंटिफिक मेथड। जो भी सैम्पल साइज सिलेक्ट किया जाता है वो ऑप्टिमम होना चाहिए और इसके कुछ मेथड होते हैं। सैम्पल साइज निकालने के भी कुछ मेथड होते हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन के केस में, फाइनाइट पॉपुलेशन अगर आपके पास तो उसके लिए अलग मेथड है सैम्पल साइज निकालने का। अगर पॉपुलेशन इनफाइनाइट है तो उसके लिए अलग मेथड है सैम्पल साइज जो है वो निकालने का। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एवरी रिसर्च बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। तो सैम्पल साइज जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रिसर्च। So learners, this is all about the sampling design. So till the next session, bye and happy learning.